नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के गौला पुल में है। मैं आपको बता दूं, बीते दिन हुई बारिश से ये पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी थी, जिससे लोगों को गौला पार जाना हो या पहाड़ जाना हो, उन्हें आवाजाही करने में दिक्कतें हो रही थी, जिससे हल्द्वानी शहर में ट्रैफिक जैसी दिक्कतें भी, जाम जैसी दिक्कतों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा था। तो वहीं यदि लोगों को गौला पार जाना हो या पहाड़ जाना, उनके पास एकमात्र रास्ता काठगोदाम का पड़ा था, जिससे काठगोदाम पर जाम जैसी स्थिति बन रही थी। तो वहीं कल दीपक रावत, कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत, गौला पुल पर पहुंचे थे और उन्होंने आदेश दिए कि 20 दिन लोनिवी को आदेश दिए कि 20 दिन के भीतर इस पुल का निर्माण कर छोटे वाहनों के लिए खोल दिया जाए, जिससे लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इस वक्त हम गौला पुल में मौजूद हैं और मुझे यहाँ पर इस वक्त कोई जो काम करते हुए नहीं दिख रहा, पुल का निर्माण करते हुए दिख रहा है। तो हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या नीचे कोई काम हो रहा है या नहीं। तो इस वक्त टीम की मौजूदगी गौला पुल के सीधे नीचे है। मैं आपको बता दूं, जो इस तरफ है वन विभाग की तरफ से मशीन लगाकर काम करवाया जा रहा है, तो वहीं मेरे पीछे पोकलैंड मशीन के द्वारा काम कराया जा रहा है, और इस तरफ JCB और रेलवे ट्रैक के पास भी 2 JCB मशीन लगी हुई है। फिलहाल काम जो है वो निरंतर जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि 20 दिन के भीतर ये पुल का निर्माण होकर जो छोटे वाहन हैं उनको आवाजाही करने में आसानी होती है, या फिर जो लोग हैं उनको फिर भी लोग परेशानी का जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ किरण, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।